यहाँ से हम ताजमहल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग होती है, वो हम आपको नहीं दिखा सकते कि वो क्या चेक करेंगे। तो अब हम ताजमहल के अंदर घुस चुके हैं पूर्वी द्वार से, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा ताजमहल, ये हम इसके पूर्वी द्वार से अंदर घुस के जा रहे हैं। अब हम आ गए हैं ताजमहल के अंदर प्रवेश करने के लिए मुख्य द्वार की तरफ। ये है ताजमहल का मुख्य द्वार, यहाँ पे हमें ताजमहल दिखने लग गया है। देखिए अभी हमें कुछ अंश दिख रहे हैं। ये जनता है और ये पीछे सो नाउ वी आर इन फ्रंट ऑफ द ताजमहल, सो लेट्स गो टू द ताजमहल। ये हम ताजमहल के राइट साइड में हैं, ये राइट साइड का व्यू है। ये हम ताजमहल के राइट साइड में आ गए हैं और ये पीछे यमुना आ गई है, अब हम आपको यमुना दिखाएंगे। देखिए ये यमुना किनारा है, और वो उधर की तरफ मैं फोकस करके बड़ा करता हूँ, वो लाल किला है। अब हम ताजमहल के सामने से ताजमहल के अंदर प्रवेश करेंगे। ये हम लाइन में लगे हुए हैं, लाइन काफ़ी लंबी है। ये यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है ऊपर मुख्य गुंबद में, ठीक है। इसकी आपको अलग से 200 रुपये की टिकट लेनी पड़ती है। ये ताजमहल के मुख्य गुंबद का एंट्रेंस है, यहाँ से अब हम एंटर होंगे इस दरवाजे में से। ये हम आ गए हैं ताजमहल के ऊपर मुख्य गुंबद के पास। ये देखिए सामने है एंट्रेंस गेट। हम पहले थोड़ा नीचे थे, अब हम ऊपर आ चुके हैं। आपको एक ऐसी चीज दिखाएंगे जो ताजमहल के बिल्कुल पीछे है, आप ये इसे देख सकते हैं। ये है मेहता बाग, यहाँ पे एक काला ताजमहल बनना था जो बन नहीं पाया। ये ताजमहल है, ये ताजमहल का पूर्वी गेट है और ये ताजमहल का पश्चिमी गेट है। और आप देख सकते हैं ये पश्चिम में सूरज है और वो डूबने जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल ये एक्यूरेट डायरेक्शन में बनाया गया है। तो ये एक इसकी मीनार है जो कि अंडर मेंटेनेंस है, मरम्मत का कार्य चल रहा है।